हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज अपन बात करेंगे सेल्फ लव कैसे करते हैं, आपको अपनी जिंदगी से प्यार है या नहीं है, या आप खुद को ही पता नहीं है। आज की भाग दौड़ के जिंदगी में लोग अपने आप को भूल गए, अपनी पसंद नापसंद, अपनी किसी अच्छी चीज के बारे में समय बिताना, वो सब कुछ भूल चुके हैं। लोगों की ख्वाहिशें पूरी करते करते अपनी ख्वाहिश अधूरी रह गई। अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में समय निकालिए। ये जिंदगी निकल जाएगी भाग दौड़ पर, जब एक समय ऐसा आएगा आप सोचोगे कि काश मैं भी ऐसी मौज मस्ती करता, काश मैं भी अपने लिए समय निकालता। इसीलिए थोड़ा अपने लिए सोचिए, अपने आप से प्यार करिए, तो जिंदगी कितनी हसीन लगेगी। आप जब थोड़ा सा समय अपने आप के निकालेंगे, अपने पसंद नापसंद की चीजें करेंगे, तो जिंदगी आपको इतनी अच्छी लगेगी कि आप सोच नहीं सकते। तो कैसे करें अपने आप से प्यार, और कैसे अपने आप को इस भागदौड़ी जिंदगी से रिलैक्स महसूस करें, कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। आप फॉलो करना, शायद आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित हो। नंबर वन, खुद को जाने। खुद को जाने, अपने आप बारे में सोचे कि आपको क्या पसंद है क्या नापसंद है, और आप इस भाग दौड़ की जिंदगी के बाद आप क्या रिलैक्स महसूस करना चाहते हैं, अपने बारे में सोचे। आप अपने बारे में रिलैक्स महसूस करें। इंसान सुबह जाता है, रात को घर आता है, अपने आप को बस एक कोलू का बेल समझ लिया है। अपने आप के बारे में सोचे, अपने आप के बारे में जीने की कोशिश करें। पैसा कमाना अच्छी बात है, आप पैसा कमाइए, लेकिन अपने आप के बारे में तो सोचे, अपनी जिंदगी के बारे में तो सोचे। सेकंड, खुद को ट्रीट दें। कभी कभी आप अच्छा करते हो तो क्या कहते हैं बड़े बड़े विद्वान, कहते हैं कि खुद की पीठ भी थपथपानी चाहिए। आप अपनी पीठ थपथपाते हो? नहीं। जब भी आपको छोटी छोटी खुशियां मिले तो अपने आप को खुद को ट्रीट दें, अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा, कुछ अच्छा करने का आपके दिल में आएगा। इसलिए छोटी छोटी खुशियों को मनाइए और खुश रहिए। थर्ड, मौज मस्ती करिए। जानते हैं इस दुनिया में हर कोई अब इतनी पैसे कमाने की दौड़ लगी हुई है, हर कोई अपने आप में आगे निकलना चाहता है, और इस कंपटीशन के दौर में सब आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन उस आगे निकलने की चाहत में अपनी मौज मस्ती भूल गए हैं। अरे कम से कम सप्ते में एक दिन तो अपने लिए निकालिए और अपने आप को रिलैक्स करिए। ये रिलैक्स करने का समय अभी है, जब आप 55 प्लस हो जाएंगे और जब आपके पास पैसे होंगे तब आप रिलैक्स करोगे, यार मैं भी उस टाइम पे मजे करता, उस टाइम पे मौज मस्ती करता तो कितना अच्छा होता। कम से कम एक दिन तो अपने लिए जिए आप। फोर्थ, अपने हर अचीवमेंट को याद करें। कभी आपको लगे कि यार कभी आपको असफलता मिली है और आप निराश होते हो, तो अपने उस अचीवमेंट को याद करें जिस अचीवमेंट को आपने पाके खुशी महसूस कर। अगर आप उस छोटे छोटे अचीवमेंट को याद करेंगे ना, तो अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, कुछ नया करने का आएगा और कुछ नया जोश आएगा। इसलिए अपने छोटे छोटे जो अपने जीवन में जो आपने अचीवमेंट पाए हैं उनको याद रखें, उनको समय समय पर याद रखते रहें। फिफ्थ, ना बोलना सीखे। जिंदगी में ना बोलना सीखे। आप अपने किसी से व्यवहार में हाँ पे हाँ बोलते जाते हो और वो काम आपके बस में होता ही नहीं है, फिर भी आप हाँ कर लेते हो, तो जब उस काम करने में आपको जो मुसीबत आती है ना, वो मुसीबत सबसे बड़ी होती है। आपके जो बस में उसी कार्य के लिए हाँ बोले, जिस कार्य को करने में आप असफल हो, आप नहीं कर सकते हो, उसके बारे में किसी को हाँ ना बोले। एक छोटी सी ना आपको बड़े दुख से बचा सकती है। इसलिए वही कार्य करें जो आप कर सकते हो और सामने वालों को उसी के लिए हाँ भरें। इसीलिए आप छोटे छोटे कामों के लिए भी हाँ ना भरें, क्योंकि उसके लिए आप मुश्किल में पड़ सकते हो। इसलिए ना कहना भी सीखे। सिक्स, तुलना ना करें कि ये इतने भाग दौड़ के जिंदगी है। आप ये मत सोचो कि मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, मेरा पड़ोसी ये कार ले आया, मेरा दोस्त वो लिया। अरे यार, सबके अपने अपने विजन होते हैं, सबकी अलग अलग थ्योरी होती है। आप किसी से तुलना ना करें। आप अपने आप को देखें कि मैं किस जगह हूँ। बस मेहनत करते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए और अपने लिए समय निकालते रहिए। कोई कितना क्या कमा रहा है उससे आप मत सोचे। अगर उससे तुलना करेंगे तो आप हमेशा दुखी होंगे, कभी अच्छा महसूस नहीं करेंगे। सेवन, खुद को माफ करें। कभी कभी जिंदगी में ऐसी गलतियां हो जाती है
जिसका आप पर को पछतावा आता है। तो अपने आप को माफ करना सीखिए, उन गलतियों को लेकर रिग्रेट मत करें कि यार मैंने ये क्या कर दिया है। इसीलिए छोटी छोटी अगर आपको बड़ी कुछ गलतियां भी हो गई है तो अपने आप को माफ करना सीखें। 8, स्वीकार करें कि आप सबको खुश नहीं रख सकते हैं। इस जिंदगी में ऐसे लोग भी होते हैं जो यार सबको खुश करने की कोशिश, सबको खुश करने की कोशिश के चक्कर में आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हो, आप दुखों से भर जाते हो। स्वयं भगवान राम भी सबको खुश न रख सके थे, तो आप क्या चीज है। हमेशा कोशिश करें कि सब खुश रहे, लेकिन इतनी कोशिश न करें कि सब अवश्य खुश रहे, ऐसा इम्पॉसिबल। 100 में से 80% ही आपसे खुश होंगे, 20% तो आपसे ना खुश होंगे ही होंगे। आप चाहे उनके लिए लाखों रुपए दे दो या आप कुछ भी कर लो, तो भी वो आपसे खुश नहीं रहेंगे। इसी के साथ आज यही, मेरा वीडियो आपको पसंद आया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें, और ऐसे ही वीडियो में आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा।